नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल ITI कैंपस इंटरव्यू में। एक और परमानेंट भर्ती निकल चुकी है। जिन बच्चों को नौकरी करनी है वो ITI डिप्लोमा डिग्री होल्डर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 तारीख रखी गई है। 31 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म आवेदन कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट के लिए भर्ती है, कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें सैलरी की बात करते तो 42,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यानी 30,000 से लेकर 60,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। पूरी विज्ञप्ति के माध्यम से इस वैकेंसी की चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। साथ ही साथ में ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यूट्यूब चैनल डेडिकेट कर रखा है, चाहे 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन किसी भी BBTech वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती है। बिल्कुल निःशुल्क जॉब तक आप तक पहुँचाई जाती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से वैकेंसीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसीज हो। प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ले चलते हैं उनकी ऑफिशियल विज्ञप्ति ITI जॉब 2021 टोटल में। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, पूरी जानकारी डिटेल से बताई जाएगी। 31 जुलाई तक आप आवेदन डाल सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसी 100+ रखी गई है। साथ ही साथ में पूरी चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जॉब 2021 टोटल पे पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की तरफ से वैकेंसीज है। पूरी विज्ञप्ति भारतीय सुरक्षा प्रेस की तरफ से जूनियर तकनीकी वैकेंसीज है, और इसमें जूनियर टेक्नीशियन और वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसीज है। 2 तरह से वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी डिटेल आपको विस्तार से बताई जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। साथ ही साथ में इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, यानी योग्यता आपकी रखी गई है वो ITI और डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज रखी गई है। ध्यान रखें, एज लिमिट रखी गई है वो वेलफेयर ऑफिसर के लिए 18 से 30 वर्ष रखी गई है। एज क्रिटिकेशन में छूट रही तो मैं आपको विज्ञप्ति के माध्यम से बताऊंगा। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 ईयर्स रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है वो यहाँ पे देख सकते हो, 108 पोस्ट रखी गई है, 108 बच्चों का सिलेक्शन किया जाना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर के लिए 41 पोस्ट रखी गई है, जूनियर टेक्निकल्स के लिए टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 41 पोस्ट रखी गई है। इनमें 2 ही विभाग के लिए ज़्यादा पोस्ट है, बाकी 1, 2, 4, 5, 7 ऐसे वैकेंसी रखी गई है। इंपॉर्टेंट डेट अप्लाई करने की है वो लास्ट डेट रखी गई है, 31 जुलाई से लास्ट डेट रही है। आप अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पे मिल जाएगा। जो बच्चे ITI डिप्लोमा है वो अप्लाई करने का लिंक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, सारी डिटेल यहां पे आपको मिल जाएगी। वेतन की बात करते हैं, 30,500 से लेकर 60,000 रुपये प्रति महीना वेतन देखने को मिल जाएगा। बेनिफिट्स कंपनी रेगुलेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उस हिसाब से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर आप चले जाओगे, वहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर PDF फाइल में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। PDF फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके PDF फाइल रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको PDF फाइल देखने को मिल जाएगी। भारत प्रस्तुभूति मुद्रालय नासिक से ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर और इनकी ईमेल ID पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। जूनियर टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी के लिए 41 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 18,700 से लेकर 67,390 रुपये तक रहने वाली है। 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होल्डर मांगा गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, 2 नंबर और 3 नंबर की जो वैकेंसीज है कंट्रोल और टेक्निकल के लिए, वहाँ पे फुल टाइम ITI कोर्स होना चाहिए। NCVT का छात्र हो चाहे SCVT का हो, यहाँ पे उन्होंने डिटेल के दासा दे रखा है। और जो फुल डिप्लोमा है वो टेक्नीशियन कंट्रोलर के लिए 41 पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपको फुल डिप्लोमा 3 ईयर्स का रखा गया है, 10th के बाद आपके पास होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडियो के लिए 4 पोस्ट रखी गई, जिसमें फुल ITI कोर्स मांगा गया है, जिसमें यहाँ पे कोर्स रह के कौन सी ट्रेड होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे प्लेट मेकर के लिए वैकेंसीज रखी गई है। इसमें बात करते हैं स्टोर के लिए, जो जूनियर टेक्निकल स्टोर के लिए 5 नंबर पे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सारा का सारा वेतन यहाँ पे देख सकते हो। URL के लिए कितनी वैकेंसीज है, OBC के लिए कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे दे रखा है। NCVT का हो चाहे SCVT का हो, लेकिन ITI ट्रेड है वो यहाँ से फिटर ट्रेड दे रखी है, और फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फिटर के लिए फिर से वैकेंसीज आ गई, जिसमें CSD टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जिसमें 5 पोस्ट रखी गई है। सैलरी वेतन एक जैसा ही आपका रहने वाला है। इसमें भी ITI फिटर ट्रेड्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर जो टर्नर है उनके लिए वैकेंसीज है, जिसमें 1 पोस्ट रखी गई है, वो यहाँ पे NCVT हो चाहे SCVT हो, टर्नर के लिए वैकेंसी रखी गई है। मशीनिस्ट के लिए देख सकते हो फ्रेंड,
टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे रीड कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। जूनियर वेल्डर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है वो भी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। तो विज्ञप्ति आप अवश्य रूप से रखें, 12 तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लास्ट डे इनसे सबमिट कर सकते हो, 31 जुलाई 2023 रखी गई है। एज इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एज इलेक्शन भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे देख सकते हो फोर इलेक्शनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो आईटी जॉब 2021 जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। देन आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड, वीडियो से लगा वीडियो शेयर करना है बोले। चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।